हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ नूडल्स रेसिपी, जो है चाउमीन। बहुत टेस्टी लगती है खाने में, चाउमीन तो सबको पसंद है। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ सारी सब्जियों को चॉप कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 5-6 कली लहसुन लिए हैं और उसको मैंने बिल्कुल बारीक, एकदम बिल्कुल बारीक कट कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, प्याज को मैंने लम्बा लम्बा और पतला पतला काट लिया है, इसको लंबा कट करना है। यहाँ पे एक गाजर लिया है मैंने, गाजर को भी मैंने लंबा कट करना है। चाउमीन में ये सब सब्जी ऐड करूँगी, इसी तरह कट करना है गाजर को, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च लिया है, शिमला मिर्च को मैंने ऐसी लंबा लंबा पतला पतला कट कर लिया है। यहाँ पे फिर मैंने पत्ता गोभी कट कर लिया है। पत्ता गोभी के बिना तो चाउमीन का टेस्ट ही नहीं आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है चाउमीन में। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है, उसको मैंने कट कर लिया है। नूडल्स को मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, अब इसमें हम सबसे पहले सब्जी को पकाएंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लहसुन डाला है, लहसुन को मैं थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लूँगी। यहाँ पे लहसुन, बस इतना ही पकाना है इसे। अब हम इसमें सब्जी को ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैंने जितनी भी सब्जी चॉप करी थी वो सब ऐड कर लूँगी। और इसे हमने थोड़ा सा पका लेना है। यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर लिया है। नमक ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन नहीं लगाना है, ऐसे ही पका दूँगी मैं इसे। सब्जी पकने के बाद मैं थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें। सब्जी पक चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च पाउडर और हींग पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाउमीन में। अब यहाँ पे मैं बॉयल नूडल्स को ऐड कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अजीनोमोटो, 1 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला, यहाँ पे मैंने डाला है सोया सॉस और विनीगर। इन सबको डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं टोमेटो केचप भी ऐड कर रही हूँ और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला जो है इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने दूसरा बड़ा स्पून ले लिया है, इसकी हेल्प से मैं पलट पलट के इसे मिक्स कर लूँगी। बस इसको ऐसे मिक्स करना है ताकि ये चाउमीन टूटे ना। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी ऐड करी है, ये मैंने घर पे बनाई थी, थोड़ा सा इसमें ऐड करी हूँ। ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारी चाउमीन बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। यहाँ पे मैंने सॉस और चटनी के साथ इसे सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू।